है सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्रो एंड नूब्रो बंदो, हम अपने चैनल पे बहुत दिन बाद आ रहे हैं। सो गाइस, इस चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट एंड लव का ज़रूरत है। सो गाइस, इस चैनल पे जो बंदे नए पहुंच रहे हैं, उस वो बंदे से कृपया निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक ठोके वीडियो को। एंड या अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ तुमको पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देने का प्रयास किया जाएगा। सो गाइस, ज़्यादा ना सोचते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। सो गाइस, हम सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड क्लियर करेंगे। इसके लिए हम ऑटोडेस्क ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको कह लेंगे न्यू एंड यहाँ से अपना साइज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको रख लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड इसको भी माइनस कर लेते हैं। पहले की प्रॉपर्टीज़ को हटा लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। एंड यहाँ से कर लेंगे इसको टिक एंड इसको कर लेंगे डिस्कार्ड। अपना आपका पोर्ट्रेट रहेगा तो आप सेव कर लीजिएगा। एंड गाइस, यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड को हम बनाएंगे। सो गाइस, हम अपने गैलरी को पहले खोल लेते हैं एंड देख लेते हैं, क्योंकि गाइस वो मैंने फ़ोटो बनाया था बट उसका बैकग्राउंड हमने सेव नहीं किया था, सेव ही किया था तो वो डिलीट हो गया। गाइस, अब सेम हमको बनाना पड़ रहा है दोबारा से इस चीज़ को। तो गाइस, इसी चीज़ को बनाना है तो हम एक कोने में, किसी कोने में इसको रख लेते हैं छोटा करके, इस कोने में, ठीक है। एंड ये गाइस ये है एंड लेयर में जाएंगे एंड बैकग्राउंड को हम इसको कर लेते हैं यहाँ से हम ब्लैक, गुड। एंड गाइस, यहाँ से अब हम इसमें एक ऐड करेंगे मून का, मून नहीं इसको कहेंगे सन का। एंड गाइस, बहुत सारा पत्थर वगैरह इस सबको कर लेंगे ऐड, ट्रांसफ़र। एंड गाइस, क्लाउड है ये मेरा, इस क्लाउड को सब मतलब अच्छे तरीके से इसको ऐड कर लेंगे जहाँ जहाँ मतलब परफेक्टली आपको लगे। हम तो गाइस वीडियो में हम आपको स्लो करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ताकि अच्छा लगे, फ़ोटो आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो अच्छे से गाइस अपने आप में मतलब जितना अच्छा कीजिएगा उतना बेटर रहेगा आपको, उसी तरीके से आप कीजिएगा मून। एंड गाइस, कुछ स्टार्स एंड यहाँ से कर लेंगे एंड ये सर, जैसा हो वैसा अपने हिसाब से अपने इमेजिनेशन करके आप बैकग्राउंड बनाना अच्छा रहेगा। एंड इसको कह लेते हैं हम सेव टू डिवाइस। एंड गाइस, ये हो जाए यार जल्दी। एंड गाइस, जितना भी हमने फ़ोटो यूज़ किया है, पीएनजी यूज़ किया, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। एंड गाइस, इसको हम कर लेते हैं स्नैपसीड में सेंड, वहाँ ब्लरिंग बहुत अच्छा होता है इसीलिए इसको किया एंड क्वालिटी भी कम नहीं होता है। एंड लेंस ब्लर में जाके इसको कर लेंगे छोटा एंड इसको कर लेंगे यूनिटी ऑफ एंड ट्रांजेक्शन को कर लेंगे और छोटा एंड यहाँ से कर लेंगे इसको डन। एंड यहाँ से ये हो गया एंड यहाँ से जाएंगे डिटेल में एंड इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा देंगे। स्ट्रक्चर बढ़ाने से हमारे फ़ोटो में क्वालिटी आ जाएगी एंड इसको थोड़ा बहुत ट्यून इमेज में जाके हम जाते हैं वार्म में एंड इसको माइनस कर लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। एंड इसको कर लेते हैं डन एंड इसको हम कर लेते हैं सेव टू गैलरी, ये हो गया। एंड गाइस, इसको ऑटोडेस्क में करते हैं सेंड, यह आ गया हमारा बैकग्राउंड ऑटोडेस्क में। एंड गाइस, इसमें हम अपने मॉडल को करेंगे ऐड, कहाँ गया मॉडल भाई साहब, ये रहा। एंड इसको कर लेते हैं मिरर टाइप ट्रांजेक्शन एंड यहाँ से इसको कर लेंगे छोटा एंड अच्छे तरीके से इसको बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसको देख लेते हैं, हेयर मेरा परफेक्टली कट चुका है। अगर आपको मतलब कटआउट में दिक्कत होता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस, यहाँ से हम अपने, कहाँ गया भाई साहब, और ये पीएनजी इसको करेंगे हम यूज़ बटरफ्लाई का। एंड गाइस, इसको कर लेते हैं छोटा, एक बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इरेज करना है और क्वालिटी भी चाहिए तो हम इसको कर लेते हैं डन। एंड यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में एंड इरेजर ब्रश लेकर इरेजर को करेंगे इरेज से तितली को करेंगे इरेज, पूरे तितली को एक को छोड़कर जो मतलब साइड अवे उड़ रही है।
अच्छे तरीके से आप इरेज कर लीजिएगा। एक तितली बच गई। एंड गाइस इसको हवा में उड़ने देना। एंड गाइस यहाँ पे एक हम सर्कल बनाएंगे, इसलिए फास्ट दिखा रहा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए उसको सेव करने के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं एंड इसको करेंगे ऐड। सर्कल को कहाँ गया भाई साहब, ये रहा, इसको कर लेते हैं ऐड अपने मुड़ी के पास, इसको रखेंगे मुंडी के पास, सिर के पास क्योंकि मतलब क्या उस स्पेस में ऐसे थोड़े जाएंगे बिना ऑक्सीजन पैप ऑक्सीजन वगैरह का, इसीलिए ये है चीज़। एंड इसको डुप्लीकेट करके इसको कर लेते हैं ट्रांसफर एंड इसको करेंगे नीचे, क्योंकि मतलब लगे कि शीशा वगैरह पहने हुए हैं। ये हो गया एंड इसको थोड़ा सा, हाँ एंड डन। एंड नीचे वाले पार्ट को कर लेंगे इरेज। ये भाई साहब सारी छोटे करके अच्छे से कर लेंगे इरेज। ये हो गया इरेज। एंड गाइस यहाँ से हम पहले सीधा हो जाए, ये हो गया। एंड यहाँ से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर, ट्रांसफर करना जरूरी है। एंड इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से, सर्कल जो है हमारा उसी के हिसाब से मतलब हम इसको कर लेते हैं। ये हो गया ठीक है। एंड MPT ले लेंगे एंड इसको कर लेंगे ऊपर सबसे। एंड यहाँ पे हम शीशे का इफेक्ट देंगे, मतलब लगेगा कि मतलब शीशा पहने हुए, मिरर पहने हुए हैं अपने मुंडी में, अपने सिर में, ओके तो हम गाइस हम यहाँ पे हम वाइट कलर को लेके एयर ब्रश में जाके एंड कलर एंड फ्लो को अपने हिसाब से रख के यहाँ हम बनाते हैं शैडो टाइप का कुछ कुछ। अगर गाइस वीडियो अच्छा लग रहा होगा यहाँ तक के, तो यार लाइक तो बनता है यार, व्यू तुम लोग देखते हो लाइक करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, बट लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी करते जाना। एंड गाइस सारा फोटो का लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक गूगल ड्राइव के थ्रू, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अच्छे तरीके से बनाना आप मिरर का साइज, मतलब जितना अच्छा लगे, मतलब चमकना चाहिए, लगना चाहिए कि यार मिरर बने हुए हैं। ओरिजिनल तो नहीं लगेगा बट फेक भी नहीं लगना चाहिए। तो गाइस ये हो गया। एंड तो साइज और छोटा करके यहाँ पे देते हैं, नहीं कट करके इसको कर लेते हैं फ्लो को कम, साइज को थोड़ा बढ़ा के अप करेंगे थोड़ा सा बाल के पास, अच्छे से चमकना चाहिए भाई, बस हम यही कहेंगे। मतलब फ़ोटो बना रहे हैं तो इसमें चमक देना बहुत ज़रूरी है, तो भाई साहब चमक दो यार, तब तो फ़ोटो मतलब अच्छी दिखेगी चमक देना बहुत ज़रूरी है ना, जो मेरा कॉन्सेप्ट यही है। एंड गाइस एक PNG काम करेंगे ऐड। एंड गाइस वो PNG कहाँ गया भाई साहब, ये रहा। एंड इसको कर लेंगे हम अपने साइज के बराबर एंड ये हो गया। एंड यहाँ से कर लेंगे इसको डन। कैसे देख सकते हैं हमारा मतलब परफेक्टली हो ही चुका है लगभग पूरा फोटो एडिट, और थोड़ा सा कुछ बचा है, एक इम्पेटरी लेड लेके इसको कर लेते हैं मॉडल के ऊपर। एंड गाइस यहाँ से हम कर लेते हैं डॉज एंड बर्न थोड़ा बहुत। तो गाइस इसको हम साइज को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हल्के हल्के उगाएंगे अपने हिसाब से, मतलब जितना ज़रूरत पड़े आपके बॉडी पे उसी हिसाब से मतलब आप लुक करना। एंड गाइस यहाँ से कर लेते हैं ओवरले, ताकि मतलब ओरिजिनल लगे कि लाइटनिंग मतलब चेहरे पे आ रही है, ओके तो ये आप अच्छे से देख लेना कि मतलब कैसे करना है आपको, ओके इसी हिसाब से आपका फ़ोटो बनेगा। और जितना ये मतलब डॉज एंड बर्न आप जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही मतलब बेटर आपका फ़ोटो बनेगा, तभी फ़ोटो का फ़ोटो में निखार आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। एंड गाइस थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं एयर ब्रश को, गाइस ब्लैक कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे यार हम शैडो बनाएंगे शीशे का, ये हो गया। एंड इसका ओपेसिटी कर लेंगे यहाँ से हम कम, ये हो गया, देख सकते हैं गाइस मतलब परफेक्टली हो ही चुका है। एंड यहाँ हाथ पे भी थोड़ा डॉज एंड बर्न कर लेते हैं गाइस, नहीं यार ये लेयर पे नहीं करना, बैक करके वाइट को लेकर अच्छे तरीके से हर जगह पे टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह सब पे, मतलब आप टी शर्ट पहने हो या कुछ भी पहने हो, तो जैकेट पहने हो हालांकि ठीक है।
एंड गाइस यहाँ हमारा फोटो तैयार हो गया और इसको हम कर लिए हैं सेव टू डिवाइस। एंड गाइस गैलरी में जाके अपने फ़ोटो को ओपन करेंगे। एंड गाइस इसके लिए अब आगे है लाइटरूम बाबा, तो यार लाइटरूम बाबा में इसको करेंगे ओपन। यहाँ आ गया नोटिफिकेशन सेंटर पे, कहाँ गया भाई साहब, ये रहा, इसको करेंगे ओपन। एंड गाइस यहाँ से आप लोग म्यूजिक का आनंद लो, ठीक क्यों लोगे यार, हम है ना इंटरटेन के लिए करते हैं इंटरटेन यार, इसमें कुछ होता नहीं, मतलब अपने बेसिक हिसाब से, मतलब जितना आपको लगे कि मेरा कलर इतना परफेक्टली होना चाहिए, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप लोग DNG मतलब मांगते हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, DNG आप जितना यूज़ करें उससे ज़्यादा, मतलब आप परफेक्टली अपने फ़ोटो के हिसाब से यूज़ करो, इसको बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, और कुछ नहीं। यस यहाँ से थोड़ा और टेम्परेचर को छेड़छाड़ करेंगे। वाइट बैलेंस को आप लोग हमेशा यूज़ करना, वाइट बैलेंस का अगर यूज़ करोगे उतना ही अच्छा फ़ोटो बनेगा। ओके तो वाइट बैलेंस जितना यूज़ करो उतना अच्छा रहेगा, कितना बोलूँ यार गाइस ये वाला पिन वाला टूल बहुत झकास था, इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैनुअली करना सीखो आप लोग, आप दूसरे पर मत डिपेंड रहो कि हाँ यार वो DNG देगा तो उसका फाइल को हम यूज़ करेंगे, नो ऐसा नहीं है। हम भी पहले यूज़ करते थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते थे, पहले हम भी करते थे, बट यार थोड़ा अपने आप में चेंजेस लाओ तब तो बनोगे प्रो बंदो मेरे। ऐसे ही थोड़े हम तुम लोग को पुकारते प्रो, यार प्रो हो तुम लोग। गाइस हमारा फ़ोटो हो चुका है तैयार इतने बकवास पे, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड गाइस कमेंट भी कर देना। गाइस ये देख सकते हो हमारी फ़ोटो, ठीक है, एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के बाय।